बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस डिजाइन स्टेप के सेकंड फेज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन डेटाबेस डिजाइनिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेज कंसिडर किया जाता है और इस स्टेज का असल मकसद डेटाबेस को रिकॉर्ड्स, फाइल्स और इंडेक्सेस की शक्ल में स्टोर करना होता है। और डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के जरिए डेटाबेस की परफॉर्मेंस, कि डेटाबेस जिस मकसद के लिए डेवलप किया जा रहा है उसको पूरा कर भी रहा है या नहीं, उसकी इंटेग्रिटी के डेटाबेस में एरर या इनकम्प्लीशन तो नहीं है, उसकी सिक्योरिटी के जो डेटाबेस डेवलप किया जा रहा है उसे अनऑथराइज यूजर्स से तो बचाया जा सकता है, और आखिर में उसकी रिकवरेबिलिटी के अगर डेटाबेस में मौजूद डेटा लॉस भी हो जाए तो वो रिकवर हो सके, इन चारों बातों को इंश्योर किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि एक डेटाबेस तभी सक्सेसफुल डेटाबेस कंसीडर किया जाता है जब उसकी परफॉर्मेंस भी हाई हो और उसमें इंटीग्रिटी और रिकवरेबिलिटी के फीचर्स भी मौजूद हो और डेटाबेस सिक्योर्ड भी हो। तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के मेन ऑब्जेक्टिव्स भी यही चारों एलिमेंट्स होते हैं, और इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को तीन मेजर इनपुट दिए जाते हैं, जिनमें पहला इनपुट है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, दूसरा है यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, और तीसरा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। दोस्तों, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उस लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन का आउटपुट जो कि नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस, नॉर्मलाइज्ड टेबल की सूरत में था, अब वो एज एन इनपुट काम करेगा फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के लिए। और यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, दोस्तों यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में हमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं, क्योंकि डेटाबेस को यूजर्स ने इस्तेमाल करना होता है, तो इसके लिए यूजर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को एज एन इनपुट के तौर पर देनी होती है। जैसे साइज ऑफ द डेटाबेस, कि जो डेटाबेस सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसका साइज यूजर के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि आखिर में तो यूजर ने ही उस डेटाबेस को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना है। तो जितना यूजर के पास फिजिकल स्टोरेज होगा उतना ही डेटाबेस का साइज भी होना चाहिए। इसके अलावा यूजर की रिक्वायरमेंट्स में रिस्पांस टाइम भी आता है। दोस्तों, रिस्पांस टाइम से क्या मुराद है, आप जानते हैं कि डेटाबेस सिस्टम में यूजर क्यूरीज करता है और उस क्यूरी के बिहाफ पर डेटाबेस सिस्टम यूजर को डेटा फेच करके देता है। तो अगर यूजर क्यूरी करता है लेकिन डेटाबेस बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता डेटा को फेच करके दे रहा है, तो ऐसी सूरत में वी कैन से कि डेटाबेस का रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा है। और अगर डेटाबेस का रिस्पांस टाइम ज्यादा होगा तो इट मींस कि ये यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा। इसके अलावा सिक्योरिटी, दोस्तों हर यूजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका डेटा होता है। अगर उस डेटा को यूजर की परमिशन के बगैर कोई एक्सेस कर रहा है, इट मींस कि डेटाबेस सिस्टम डेटा को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सूरत में हर एक यूजर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है उसके डेटाबेस सिस्टम की सिक्योरिटी। और आखिर में है बैकअप एंड रिकवरी। दोस्तों, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर यूजर ये चाहता है कि उसके डेटाबेस को का एक और बैकअप मौजूद हो, ताकि अगर डेटा लॉस हो जाने की सूरत में वो अपने डेटा को रिकवर कर सके। तो यूजर की रिक्वायरमेंट्स में ये तमाम चीजें आती हैं, कि डेटाबेस का साइज, उसका रिस्पांस टाइम, उसकी सिक्योरिटी और उसकी रिकवरेबिलिटी के फीचर उस डेटाबेस में मौजूद होने चाहिए। तो दोस्तों, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में यूजर की इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को इनपुट के तौर पर यूज किया जाता है। और तीसरा मेजर इनपुट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। दोस्तों, किसी भी डेटाबेस को बनाने के बाद उसको मैनेज करने के लिए एक कंपैटिबल डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि सही तरीके से डेटाबेस को मैनेज करने की सलाहियत रखता हो। दोस्तों, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स के बाद, उसके इनपुट्स के बाद, आइए अब फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के कंपोनेंट्स की डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है डेटा वॉल्यूम एंड यूसेज एनालिसिस। दोस्तों, डेटा वॉल्यूम से मुराद है कि डेटाबेस का साइज, यानी दोस्तों फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के इस कंपोनेंट के जरिए डेटाबेस में मौजूद डेटा को एस्टीमेट करके उस डेटाबेस के साइज को मेजर किया जाता है, और फिर उस साइज के हिसाब से कितनी स्पेस की फिजिकल स्टोरेज डिवाइस रिक्वायर्ड होगी
इसका तयन किया जाता है और इस तरह हमें उस स्टोरेज डिवाइस की कॉस्ट का भी अंदाजा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों डेटाबेस के डेवलप हो जाने के बाद उसे इंस्टॉल तो किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर ही करना होगा, तो इस कंपोनेंट के जरिए हमें उस स्टोरेज डिवाइस और उस स्टोरेज डिवाइस पर खर्च होने वाली लागत का अंदाजा हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। दोस्तों एक डेटाबेस के बन जाने के बाद हमें उस डेटाबेस को कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। वो किसी कोई नोट भी हो सकती है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर कोई सर्वर भी हो सकता है। और स्टोर करने के बाद अगर हम उस डेटाबेस को ओवर द नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं ताकि हर कोई अलग अलग जगहों पर मौजूद रहकर डेटाबेस को अपने तरीके से यूज कर सके, तो उसके लिए हमें कुछ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को मद्देनजर रखना होगा, जिनमें पहली स्ट्रेटजी है सेंट्रलाइजेशन। दोस्तों सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटजी में डेटा को एक सेंट्रल सर्वर पर रख दिया जाता है, यानी एक सेंट्रल सर्वर पर स्टोर कर दिया जाता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स को उस सर्वर से अटैच कर दिया जाता है। अब वो कंप्यूटर्स उस सर्वर से किसी फिजिकल केबल के जरिए भी अटैच हो सकते हैं और ओवर द नेटवर्क यानी इंटरनेट के जरिए भी उस सर्वर से अटैच हो सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी को सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी का नाम दिया जाता है, जिसके जरिए जो कंप्यूटर्स उस सर्वर से अटैच हैं वो इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि रिमोट एरियाज में हैं जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो फिर वो आपके इस सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम से फायदा नहीं हासिल कर सकते। इसके अलावा दोस्तों डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। और दोस्तों अगर आपका ये सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सेंट्रलाइज्ड सर्वर ही डाउन हो जाए तो आपका पूरा डेटाबेस सिस्टम की वर्किंग जो है वो रुक जाएगी। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है पार्टीशन स्ट्रेटजी। दोस्तों पार्टीशन स्ट्रेटजीज में डेटाबेस सिस्टम को डिवाइड कर दिया जाता है पार्टीशंस में और फिर हर एक पार्टीशन एक मखसूस साइट को असाइन कर दिया जाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मल्टीपल छोटी छोटी ब्रांचेस मौजूद हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस को इस तरह से पार्टीशंस में डिवाइड कर देगी कि अब हर एक ब्रांच को उसी ब्रांच से रिलेटेड पार्टीशन असाइन कर दिया जाएगा और उस पार्टीशन में उसी ब्रांच से रिलेटेड डेटा मौजूद होगा। तो इस तरह हर एक साइट को इजीली अपना डेटा मिल सकेगा। क्योंकि दोस्तों याद रखिए डेटाबेस सिस्टम जितना करीब होगा डेटा को एक्सेस करना भी उतना ही आसान होगा। इसके बाद है रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में एक डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर दी जाती हैं और मल्टीपल कॉपीज को मल्टीपल सर्वर्स पर रख दिया जाता है, जिससे हर एक साइट के लिए डेटा को एक्सेस करना आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस स्ट्रेटजी को का एक ड्रॉबैक भी है, जो कि ये है कि अगर एक डेटाबेस में कोई अपडेशन करनी हो तो उसको तमाम डेटाबेसेस में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डेटाबेस अपडेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो आखिरी स्ट्रेटजी है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में वो है हाइब्रिड स्ट्रेटजी। दोस्तों हाइब्रिड स्ट्रेटजी में डेटाबेस में मौजूद टेबल्स को डिवाइड कर दिया जाता है फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट से मुराद है कि एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं, तो ऐसे टेबल जो कि आपस में इंटरकनेक्ट होंगे उनको क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स कंसीडर किया जाएगा और ऐसे टेबल्स जिनका आपस में रिलेशन नहीं होगा, जिनकी कोई प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर मौजूद नहीं होगी, उन्हें नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट कंसीडर किया जाएगा। और इस तरह जो नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स होंगे उन्हें एक सर्वर पर प्लेस कर दिया जाता है, जबकि क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स को मल्टीपल अलग अलग सर्वर्स पर पेश कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है डेटाबेस फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का, वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों फाइल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि डेटाबेस को तरतीब के साथ फाइल्स की शक्ल में महफूज करना, और कहाँ महफूज करना, किसी सेकेंडरी स्टोरेज पर महफूज करना। और इसके लिए सिस्टम डिजाइनर को उस सिस्टम के कंपोनेंट को भी मेजर करना होता है जिन पर वो फाइल ऑर्गेनाइज्ड होंगी।
यानी जिस सिस्टम पर उन फाइल्स को स्टोर किया जाएगा, कि सिस्टम का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसके अंदर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है। क्योंकि दोस्तों फाइल को ऑर्गेनाइज करके करने की कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से सिस्टम पर गौर करना भी जरूरी है। और वो वजूहात ये हैं कि फाइल्स में ऑर्गेनाइज डेटा को हम तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज कैपेसिटी आपके सिस्टम की है, फाइल्स को उस पर स्टोर करके उसे एफिशिएंट वे में इस्तेमाल किया जा सके और डेटा को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे और साथ के साथ डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी बचाया जा सके। और दोस्तों फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। दोस्तों इंटीग्रिटी के मानी है डेटाबेस में मौजूद डेटा का एरर फ्री होना और डेटा का करेक्ट होना और मुकम्मल होना। तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में इन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को भी एवेलुएट किया जाता है और साथ के साथ डेटा की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को भी मद्देनजर रखा जाता है। तो दोस्तों ये था फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, जिसके जरिए डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने से पहले हर एक वे में उसको डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस लेक्चर का अख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम इम्प्लीमेंटेशन फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।